श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की, श्री श्री गौरनिताई की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, श्री बलदेव की। तो आज बलराम जी का आविर्भाव महामहोत्सव है। नाहम लभ्या बलेन ही न लभ्या, ऐसा श्लोक है वेद में। उसका सिंपल अर्थ यह है कि बलराम जी के द्वारा सफिशिएंटली पर्याप्त मात्रा में कृपा प्राप्त किए बिना श्री कृष्ण की भक्ति नहीं हो सकती। ये बॉटम लाइन है, सब लोगों को पता होना चाहिए। श्री कृष्ण की प्राप्ति होना असंभव है अगर बलराम जी हम पर प्रसन्न नहीं है, या हम पर कृपा नहीं करते हैं, या उनका अनुग्रह अनुकूल्य हमारे लिए नहीं है। इसलिए ये एक भ्रम है कि हम श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। राधा रानी, नित्यानंद प्रभु और बलराम जी, इनके कृपा के बिना श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं, और जो भी कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है, आवश्यक है, वो सब बलराम जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे वो पांच रस में सेवा करते हैं, उसी के माध्यम से हमको बता रहे हैं क्या चाहिए आपको। फाउंडेशन चाहिए, मैं दे रहा हूँ शांत रस में। आपको सेवा भाव चाहिए, मैं आपको दास्य रस में सिखा रहा हूँ कैसे सेवा भाव स्वीकारना चाहिए। आपको भगवान से फ्रेंडशिप करना है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। इस प्रकार से हर रस में, हर रस के हर भक्तों को वो एक प्रेरणा है। यशोदा माई नंद महाराज के भी वात्सल्य रस में भी वो प्रेरणा है, उनका अस्तित्व ही बहुत शक्तिशाली है। तो आज हम उनके थोड़े ब्रज की लीलाओं का चर्चा करेंगे। तो अभी एक प्रसंग आ रहा है जिसमें श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों वनचारी के रूप में वन में गौचारण कर रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि एक राक्षस है, उसका नाम है धेनुकासुर। वो कंस का राक्षस है, कंस का साथी है। कंस ने मथुरा में ऐसा एक फॉरेस्ट बना के रखा है, और उसमें एक ऐसा एरिया बना के रखा है जिसका नाम है ताल वन। और वो ताल वन में पूरे ताल के पेड़ हैं, हमारे भाषा में क्या बोलते हैं, ताड़गुड़े, है ना। लेकिन आज के ताड़गुड़ा में और वो ताड़गुड़ा में बहुत जमीन आसमान का अंतर है।
वो अमृतमयी ताड़गुड़े, सुगंधी ताड़गुड़े, ऐसे पेड़ हुए होते थे कि उसमें जो पेड़ में फल लगते थे उसकी कोसों तक सुगंध आती थी, और सुगंध से ही वो खाने का दिल होता था। तो कभी कभी आम पकते ना पेड़ पे, तो वो आम की खुशबू दूर तक आती है। चीकू पकते हैं तो चीकू की भी खुशबू दूर तक आती है। पेरू पकते हैं ना अमरूद, उसकी भी खुशबू आती है। लेकिन वो फिर भी अभी के हैं। आप सोच सकते हैं कृष्ण के समय जब कृष्ण जब भी यहाँ पर हैं, छह ऋतु अपने बेस्ट ऑफ बेस्ट शक्ति के साथ अपना जो ऐश्वर्य है वो प्रकट करते हैं एक साथ में। साधारण तौर पे क्या होता है, एक ऋतु दो महीने के लिए अकेला रहता है, वो समाप्त होता है, फिर अगला ऋतु दो महीने के लिए आता है। लेकिन श्री कृष्ण के लीला के समय, प्रभु रामचंद्र के लीला के समय, छह ऋतु एक साथ में अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और वो दोनों वो छह ऋतु जब देते हैं अपना परफॉर्मेंस, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अभी रेन डालूं कि ठंडी पैदा करूं कि गर्मी पैदा करूं। नहीं, वो बराबर सहकार्य से सहयोग से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे रात के समय कमल खिलते हैं तो नहीं खिलते हैं, लेकिन कृष्ण के जन्म के बाद खिलने लगे। रात को जनरली क्या खिलते हैं, कुमुद, कुमुद नाम का अलग कमल होता है, कुमुद वो खिलता है। दिन में कमल खिलता है, सूरज को देखकर कमल खिलता है, चांद को देखकर कुमुद खिलता है। लेकिन ये दोनों कृष्ण की इच्छा के लिए एक साथ खिलते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ये स्थिति है कि ताल के बहुत बड़ा वन बना के रखा है, उसमें बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ फल आते हैं। और जनरली जो गधा होता है ना, वो ताड़गुड़ा नहीं खाता है, लेकिन इसमें लिखा है कि वो भी खाता था और उसके साथी भी खाते थे। और बहुत सारा जो मेन बेस्ट क्वालिटी ताड़गुड़ा है वो मथुरा पहुंचता था कंस के पास, लेकिन जहाँ पर वो है वहाँ के एक भी ब्रिजवासियों को वो देता नहीं था, और कोई आएगा तो उनको दंड देता था। वो बहुत शक्तिशाली था, बहुत पावरफुल था, सब लोग डरते थे उसको। तो श्री कृष्ण और बलराम जी के मित्र जो हैं वो सोचते हैं कि ये जो ताल वृक्ष के फल है ये कृष्ण बलराम को खाना चाहिए। यहाँ पर एक आचार्य हमारे जीव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात बताते हैं, ग्वाल बाल हो या गोपी हो या कोई भी ब्रजवासी हो, वो कभी भी अपने लिए कोई बात नहीं सोचते हैं, सदैव जो बात है वो कृष्ण बलराम के लिए ही, राधा रानी के लिए ही सोचते हैं। लेकिन अगर वो कहेंगे कृष्ण बलराम वो ताड़गुड़े बहुत मिठा है, मीठे मीठे हैं, बहुत मधुर है, आपको खाना चाहिए, तो कृष्ण बलराम जी का मूड क्या है, वो सदैव एक ही बात सोचते हैं कि मेरे ग्वाल बालों को गोपियों को कैसा आनंद मिलेगा। अगर आप बोलेंगे कि आपको खाना चाहिए तो बोले मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर उनको खाने के लिए प्रवृत्त करना है, इंस्पायर करना है, तो क्या बोलना है कि हमको बहुत इच्छा हो रही है खाने की। बहुत सुंदर बात हमारे आचार्य बताते हैं। अगर ग्वाल बाल बोलते हैं कि हमें इच्छा हो रही है, तो कृष्ण कहेंगे हाँ जाएंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो ग्वाल बाल कह रहे हैं कि ये जो वन है इसमें बहुत श्रेष्ठ ताड़गुड़े आते हैं, इसकी सुगंध जो है वो दूर दूर तक आती है, हमें ललचाती है, लगता है कि खाना चाहिए, लेकिन क्या करें, वो जो दुष्ट राक्षस है वहाँ पर, गधा, वो वहाँ पर बैठा है, वो किसी को आने देता नहीं है, और हम केवल उसकी खुशबू लेते रहते हैं, खाते नहीं है। बलराम जी कहते हैं चलो, अगर ग्वाल वालों को इच्छा हो रही है चलो चलते हैं। तो वो थोड़ा दूर है तो चल रहे हैं वो, तो उसके अंदर जो रास्ता है विश्वई कृष्ण बलराम सारे ग्वाल बाल जा रहे हैं, तो वो रास्ते में ना बहुत सारे पेड़ हैं, और बहुत सारे पेड़ जो है वो फल से और फूल से लदे हुए हैं, और जो फल से और फूल से लदी हुई शाखाएं हैं वो पेड़ अपनी इच्छा से वो झुका झुका कर कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक्चुअली वो कृष्ण भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान भी कैसे हैं, वो बलराम जी को बोलना शुरू करते हैं, देखो देखो आप इतने महान हो, आप इतने वंदनीय हो, आप इतने पूजनीय हो, देखो सारे पेड़ भी आपको दंडवत कर रहे हैं। कृष्ण के समय पर, चैतन्य महाप्रभु के समय पर, वृक्ष भी अपनी शाखाओं को जमीन पे झुकाकर प्रणाम करते थे भगवान को, कभी कभी पूरा वृक्ष फुल भगवान को दंडवत करते थे और फिर खड़े हो जाते थे।
चैतन्य महाप्रभु के भी लीला में जब मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं तो वर्णन है उसका, कैसे अंदर जा रहे हैं वो और सब गायें उनको घेर रही है और सारे पेड़ भी दंडवत कर रहे हैं बीच में। ये अद्भुत बातें कृष्ण के समय होती है। तो श्री कृष्ण वो उनको देख के कहते हैं कि देखो आपको आपको वंदन कर रहे हो, वास्तव में अपने को वंदन उनको वंदन कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आपको वंदन कर रहे हैं, आप महान योगी हो, आप महान भक्त हो, आप महान शक्तिशाली शक्तिशाली व्यक्ति हो, आप बड़े प्रेमी माधुर्य व्यक्ति हो, इसलिए सारी जीव सृष्टि जो है वो आपको वंदन कर रही है। आप सोच सकते हैं जैसे एक भरा हुआ शाखा है, फल से भरा हुआ है, वो ऊँचा है, उसको ले नहीं सकते, तो पेड़ ही उसको नीचे कर रहे हैं, लो खाओ आनंद लो। इस तरह से श्री कृष्ण पूरी सृष्टि का आधार लेते हुए, सृष्टि के जीवों का नाम लेते हुए बलराम जी का गौरव करते हैं कि सब आपके सेवक हैं, सब आपको सेवा करना चाहते हैं, सब आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, हम सब भी आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। और बलराम जी जानते हैं कि ये मुझे कृष्ण ऐसे ही बता रहे हैं, वो सारे पेड़ और सारे पंछी जो आवाज़ कर रहे हैं वो कह रहे हैं आपका ही नाम पुकार रहे हैं, तो वो सब कृष्ण का नाम पुकार रहे हैं, सब कृष्ण को दंडवत कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण और भक्तों के अंदर एक प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। वो क्या क्या होती है प्रतियोगिता? मैं आपकी सेवा करूं बेस्ट, और वो कहते हैं मैं आपकी सेवा करूं बेस्ट, और ये दोनों बेस्ट सेवा के अंदर एक प्रतियोगिता चलती रहती है। हु विल सर्व द बेस्ट? कृष्णा इज ट्राइंग टू सर्व हिज डिवोटीज द बेस्ट एंड हिज डिवोटीज आर वर्किंग हार्ड टू सर्व एंड प्लीज कृष्णा द बेस्ट। तो शास्त्र में लिखा है कि ब्रज में बहुत सारे फल हुआ करते थे उस समय, नीप के फूल, नीप फ्रूट के फल पेड़ हुआ करते थे उधर, खजूर भी हुआ करता था, नारियल के पेड़ भी हुआ करते थे, और लाल रंग के ताड़गोड़े भी हुआ करते थे, और पिंडो नाम के ताड़गोड़े भी हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारा वर्णन दिया है, कई सारे फलों का वर्णन जो शास्त्र में आता है वो अभी देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन वो उस समय हुआ करते थे। दमनक का फ्लावर्स चैतन्य चरितामृत में बार बार आता है, आई डोंट नो व्हाट इज दमनक का फ्लावर्स, लेकिन कहते बहुत सुगंधी हुआ करता था। तो बलराम जी बड़ी निर्भयता से आगे प्रवेश किए, सभी लोगों ने ग्वाल वालों ने मिलकर बलराम जी को विनती की। तो बलराम जी अंदर गए और साउंड ऑफ फॉलिंग फ्रूट्स डिस्टर्ब द मिड डे। ओके, तो बलराम जी अंदर प्रवेश किए, एकदम अंदर ऐसा प्रवेश किया जैसे अपना ही वन है वो पूरा सुरक्षित है गधों के सुरक्षा में। लेकिन वो दोपहर का समय था और धेनु का सुर उस समय सो रहा था, आफ्टरनून नैप। तो बलराम जाते हैं, सीधे एक ताल को पेड़ को पकड़ते हैं, हिलाते हैं और धार 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 उसके फल नीचे गिरते हैं, उसका उसका जो नीचे गिरते हैं तो वो फूटते ना ऐसे, थोड़ा सा उसका सुगंध और बैठता है। तो क्या होता है कि वो फल गिरने की आवाज़ से धेनु का सिर की नींद टूटती है, और वो सोचता है अरे फल खाने के बाद तो दूर रही, मेरे वन में प्रवेश करने की हिम्मत किसकी हुई, हाँ मेरा इतना दहशत है कि मेरे वन में कोई प्रवेश करने का सोच भी नहीं सकता है, इसमें ये कोई प्रवेश कर रहे हैं, एक नहीं अनेक लोग प्रवेश कर रहे हैं, ऊपर से मेरे पेड़ को हिलाकर सारे पेड़ नीचे गिराकर खाने का प्रयास कर रहे हैं, हाउ डेयर यू। ये धेनु का सुर का ईगो है। सो फिर धेनु का सुर आया, धेनु का सुर ने बलराम को अपने पीछे के दो पैरों से लात मारा छाती पर, बलराम जी टस से मस नहीं हुए। अभी आप अपने को इमेजिन करो, आप वहां खड़े हो, दूर देख रहे हो, हाँ यू आर वॉचिंग द होल लीला। फिर बलराम जी ने धेनु का सुर को पकड़ा, वो फिर एक बार गोल घूम के अपना पीछे का हिस्सा सामने करके तो लत्ता प्रहार करने वाला था, तो ब्रह्मा बलराम जी ने उसके उठाए हुए दो पैर पीछे के पकड़े और उसको हवा में गोल 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 घुमाया और एक पेड़ पर दे मारा। तो क्या हुआ, वो पेड़ जो है वो इस वजनदार धेनुकासुर के वजन से दूसरे पेड़ पर गिर गया, वो पेड़ और धेनुकासुर के वजन से दूसरा पेड़ गिर गया, दो पेड़ और धेनुकासुर के वजन से तीसरा पेड़ गिर गया, ऐसे करके बहुत सारे पेड़ गिर गए। तो बिना एफर्ट के सारे फल जो है वो जमीन पर आ गए, सब ग्वाल वाल खाने की इच्छा कर रहे हैं।
तो धनुकासुर को बहुत क्रोध आया, वो क्रोध से खड़ा हो गया, उसने बलराम जी को पकड़ा। फिर बलराम जी ने धक्का मारकर उसको जमीन पर गिराया और वो धक्का मारने से धनुकासुर जख्मी हो गया और बेशुद्ध हो गया, बेहोश हो गया। उसके बाद धनुकासुर ने एक बहुत भयंकर रूप धारण किया, विशाल अति भयंकर रूप धारण किया, जिसके चार सिंह थे बहुत बड़े। उसको देखकर ग्वाल बाल सब डर के भाग गए। फिर एक एक करके जो मेन मेन गोपाल थे वो भी बड़े ट्रेन थे, यहाँ बाकी बच्चे भाग गए लेकिन मेन मेन जो गोपाल है, देखो सुनो आप ध्यान से, श्रीदामा को बहुत क्रोध आया, उसने डंडा लेकर धनुकासुर को मारा। उसके बाद में सुबल ने अपने मुट्ठी से प्रहार किया धनुकासुर के ऊपर। स्तोक कृष्ण ने दोरी लिया, गोल गोल चाबुक की तरह घुमाया और उससे धनुकासुर को मारा। अर्जुन अंशु ने उसको दूर से धक्का मारकर दूर जाके गिराया। और उसके बाद में क्या हुआ, विशाल और ऋषभ नाम के जो ग्वालबाल थे उन्होंने अपने लात से धनुकासुर को लत्ता प्रहार किया। फिर तेजस्वी ने गला दबाने का प्रयास किया धनुकासुर का, कितनी हिम्मत हो सकती, देखो आप सोचो इतने कोमल कोमल फूल पहन के आने वाले ग्वालबाल समय पर अपना बल भी दिखाते हैं। फिर देवप्रस्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्वालबाल है, उसने ना एक तमाचा मारा मुंह पर धनुकासुर के। ऐसा कहते हैं देवप्रस्थ जो है वो कृष्ण पर बहुत प्रेम करते थे, सबसे ज़्यादा, बहुत स्ट्रांग भी थे, बहुत विद्वान भी थे और सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और अपने जो बाल है ना वैसे इकट्ठा करके अंबाड़ा बनाते थे, ऐसा देवप्रस्थ का वर्णन दिया है। और जब राक्षस के साथ युद्ध करने का समय आया तो जब भी युद्ध होता है तो सबसे पहले कृष्ण की मदद करने के लिए देवप्रस्थ आते हैं, तो अभी भी देवप्रस्थ आए और कृष्ण के प्रेम की वजह से उन्होंने युद्ध शुरू किया धनुकासुर के साथ। फिर वरुथप नाम का ग्वालबाल आया और उसके साथ जो खेलने की गेंद थी ना वो गेंद उठाकर उसने मारी धनुकासुर को। फिर उसके बाद ये सभी ग्वालबालों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद कृष्ण आए, हमको भागवत में बहुत छोटा सा वर्णन है, पैर उठाए घुमाया और मारा मर गया, क्यों ऐसा है बताओ, इतना शॉर्ट में सुखदेव जी वर्णन क्यों कर रहे हैं, एनी आइडिया? ये जीव गोस्वामी और गर्ग संहिता नारद मुनि इतना विस्तार में वर्णन कर रहे हैं, डिटेल में, ये इधर है ही नहीं भागवत में। कारण परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन थे, उनके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं था कि भाई 10 दिन तो कृष्ण की लीला ही सुनाया, सुना सकते थे लेकिन 7 दिन में प्लानिंग करके पूरा कवर करना है 168 घंटे में, कितना 168 आवर्स। श्रीमद् भागवत जो है ना वो 168 घंटे चला है नदी किनारे परीक्षित के लिए, नो टी ब्रेक, नो लंच ब्रेक, नो डिनर ब्रेक, नो स्लीप ब्रेक, नो लघु शंका दीर्घ शंका ब्रेक, ओनली सिटिंग एंड लिसनिंग, वो भी रैप्ड अटेंशन के साथ, एकाग्र ध्यान के साथ। कोई बोलने रहा है अभी भूख लग रही है, अभी कुछ मिलेगा क्या, कुछ पानी मिलेगा क्या, नहीं, शरीर के बंधन से परे जा चुके थे सब लोग, परीक्षित महाराज अकेले नहीं, सुखदेव जी अकेले नहीं, सुनने वाले सभी लोग, कोई उठ के नहीं गया, क्या सभा होगी ना, देखो आप सोचो, रात का समय चल रहा है, 3 बज रहे रात को, सोने का समय है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, अंधेरा भी उनको बाधा नहीं डाल रहा है, इसलिए उन्होंने संक्षेप में बताया, लेकिन बाकी जो आचार्य उन्होंने विस्तार में बताया। तुमको लगता है बलराम जी ने मारा उनको, लेकिन कृष्ण ने भी बहुत भयंकर युद्ध किया उसके साथ, धनुकासुर के साथ। अभी देखो कृष्ण आए और 2 हाथों से उसके पकड़ा, कि धनुकासुर क्या है ना, उसको पकड़ के कृष्ण भगवान ने गोल 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 घुमाया और गोवर्धन पर्वत पर जाके फेंका उसको। तो गोवर्धन पर्वत पर जब गिरा तो कहते हैं कि 1 घंटे के लिए वो बेशुद्ध रहा, बेहोश हो गया। अब ये तालवन किधर, गोवर्धन किधर, कुछ आइडिया है क्या, लोकल ज्योग्राफिकल आइडिया है कुछ? मथुरा में तालवन है, उसके बाद वृंदावन है, वृंदावन के अंदर और उत्तर दिशा में गोवर्धन है, और उसके उत्तर दिशा में नंदगांव बरसाना है, और उसके उत्तर दिशा में काम्यवन है,
ये लोकेशन है। तो आज के तारीख में भी कम से कम 50-60 किलोमीटर डिस्टेंस है वो। और ये फाइटिंग किधर हो रहा है? तालवन में हो रहा है, यानी कहाँ हो रहा है? मथुरा में हो रहा है। मथुरा से कृष्ण भगवान ने उसको उठाकर कितना किलोमीटर फेंका? 60 किलोमीटर फेंका गोवर्धन के ऊपर। इतना जोर से दे मारा कि वो बेहोश हो गया एक घंटा के लिए, फिर जग गया। फिर उसने कृष्ण को अपने सिंह से पकड़ा, सिंह में ऐसा उठाया जैसे हाथी उठाता है ना सुंड में, वैसे जो चार सिंह का भयानक रूप प्रकट किया ना, उसमें कृष्ण को उठाया, उसको आकाश में लेकर गया। 800,000 मील आकाश में कृष्ण का और धेनुकासुर का युद्ध हुआ, यानी 100,000 योजन। 100,000 योजन पता है कितना होता है? 1 योजन 8 मील का होता है। 800,000 मील आकाश के अंदर, पता नहीं किधर होंगे वो। सो हाई। और कृष्ण ने धेनुकासुर को वहाँ पकड़ा, वो नीचे आए उसके हॉर्न से और स्पेस में उसको पकड़ा और 800,000 मील से उसको नीचे फेंक दिया जमीन पर। कैसा रहेगा वो? उनको 6 फुट से नीचे गिरेगा तो क्या क्या होगा हमारा? फिर धेनुकासुर के सारी हड्डियाँ टूट गई बिकॉज ऑफ दिस हैवी फॉल और दोबारा बेहोश हो गया वो। फिर उठा, फिर उसने भयंकर गर्जना किया और उसने क्या किया? गोवर्धन को जड़ से उखाड़ा। धेनुकासुर ने गोवर्धन को जड़ से उखाड़ा और उठाकर कृष्ण की ओर फेंका। हर हमले के भाव में, कैच गेंद खेलने के भाव में नहीं, मारने के, वध करने के भाव से। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने गोवर्धन को कैच किया हवा में और उठाकर धेनुकासुर के सर पे फेंका। फिर धेनुकासुर ने फिर उसको पकड़ा और फिर कृष्ण की ओर फेंका। कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ फाइट इज गोइंग ऑन? और उस समय अभी का गोवर्धन नहीं था, वो द्वापर युग का गोवर्धन था, बड़ा था अभी से। वो उठाकर फेंक रहे हैं और दोनों कैच करके एक दूसरे के ऊपर मार दे रहे हैं, ऐसा आराम से नहीं फेंक रहे। और लास्ट टाइम जब भगवान ने कैच किया उसको, तो भगवान ने सोचा गोवर्धन को अभी ज़्यादा तकलीफ देते नहीं है, उसको जगह पर रख दिया, फेंका नहीं, जाके रख दिया। तो आचार्य लिखते हैं कि गोवर्धन का उपयोग कैसे हो रहा है, कितना रफ उपयोग हो रहा है। देखो आप समझो, आपको उठा के मारा मारी में यूज़ किया जाए, वो फेंक रहा है आपको, आप फेंक रहे हो, आपको फेंका जा रहा है, वो कैच कर रहा है, वो फेंक रहा है, बीच में आपने हड्डियाँ टूट सकती है। लेकिन गोवर्धन कहते हैं बड़े प्रसन्न थे, कैसे भी करके ये न कि न प्रकार ये ना कृष्ण की सेवा में उपयोग हो रहा है ना, बस अपने को कष्ट हुआ तो चलेगा। तो भगवान ने अपनी इच्छा से उनको अपनी जगह पर रख दिया। फिर क्या हुआ? फिर धेनुकासुर ने अपने सिंह से जमीन को खरोदना शुरू कर दिया और उन्होंने कृष्ण को छोड़कर बलराम पर अटैक किया। और बलराम पर अटैक किया, उसको लात मारी, गर्जना किया। वो जब गर्जना किया तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसका ध्वनि जो है ना वो एको हो गया, उसका पृथ्वी जो है वो कांपने लगी, इतना जोर से गर्जना किया। फिर बलराम ने उसको पकड़ा और उठाकर जमीन पर फेंक दिया। उस समय धेनुकासुर का सर जो है वो फूट गया। कितना शक्ति होता है इसके अंदर, देखो ना, सारी हड्डियाँ टूट गई है, अभी सर फूटा हुआ है, फिर भी कितनी शक्ति है, खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। सर टूट गया और वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। उस समय बेहोश हो गया तो हर बार अभी 1 घंटा बेहोश हो गया, 1 घंटा बेहोश हो गया ना, तो आपको सोचा बीच में क्या कर रहे हैं गाल बाल? तो फल खा रहे हैं, टाड़ घोड़ा गिरा हुआ है, इसका क्या है, ध्यान रख रहे उसके ऊपर, गिरा हुआ है बेहोश, हिलने लगे वापस चालो, तब तक आराम करो, बैठो, पानी पियो, फल खाओ, मजा ले लो, कोई खिला रहा है, कोई खिला रहा है, आराम से लीला कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन धेनुकासुर को है, कृष्ण बलराम को कोई टेंशन नहीं है, आराम से युद्ध कर रहे हैं, खेल खेल में मजा कर रहे हैं, ग्वाल बालों को खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं, ग्वाल बाल भी अपने हीरो का हीरोइक एक्टिविटी देख रहे हैं। हाँ देखो, इस बार जब वो बेहोश हो गया तो धेनुकासुर को बलराम जी ने सर पे एक पंच मारा, एक मुष्टि प्रहार किया। तेन मुष्टि प्रहारेण सद्य वही निधनम गतः, वो एक मुष्टि प्रहार से धेनुकासुर का वध हो गया, उसी समय मर गया। और उस समय आकाश से देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। हमने आपको बताया नहीं कि आकाश में भी प्रेक्षक थे, ऑडियंस, हाँ, देखने वाले, कि
क्योंकि ना देवताओं को, इंद्रादि सभी देवताओं को, इन सारे राक्षसों ने परेशान करके रखा था। और जब भी कृष्ण बलराम का इनका सामना होता था तो सारे देवता लोग उत्सुक होकर ऐसे आकाश में आते थे। आपको पता है उस समय आकाश में क्या सीन होता था? देवता लोग ना, मैंने कल भी बताया था कि वो बड़े आसक्त होते हैं अपने अपने पद से, शक्ति से, पोजीशन से, तो वो उनको आसक्ति की वजह से डर रहता था हमेशा कि राक्षसों आएंगे, हमको अपने सिंहासन के फेंक देंगे, बैठ जाएंगे अपने ऊपर, हमको सब गुफा में छुपना पड़ेगा। तो उनको पूरी श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण और बलराम मिलकर इसको मारेंगे, तो क्या करते पता है? जैसे वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है कृष्ण और प्रलंबासुर का, या धेनुकासुर का और बलराम जी का, तो कभी कभी लगता है कि धेनुकासुर पावरफुल हो रहा है और वो बलराम जी को पीट रहा है, तो उस समय ये लोग बादल के पीछे छुप के देखते थे। और जब भी लगता है बलराम जी भी पावरफुल हो रहे हैं और धेनुकासुर कमज़ोर पड़ रहा है, तो बादल के बाहर आके देखते हैं। का कारण क्या उसका? समझो, अगर धेनुकासुर हारते हुए अगर वो देख लिया धेनुकासुर ने, और समझो आगे जीत गया, वो बलराम जी को मार दिया और जीत गया, तो सबने देखा था ना मेरा मजा, आओ सब लोग को पीटता हूँ। इस डर के मारे देवता लोग हमेशा बादल के अंदर बादल के बाहर। ये अश्रद्धा का परिणाम है। अगर उनको श्रद्धा है, ग्वाल बाल छुप रहे हैं क्या? अरे बाप रे, अगर कृष्ण बलराम को मार दिया और धेनुकासुर बाद में जिंदा रह गया तो हमको सबको पकड़ के मारेगा, तो हम सब लोग छुप जाते हैं। नहीं, वो सामने खड़े देख रहे हैं, उनको पता है अरे कृष्ण बलराम भगवान को मार देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगासुर के मुंह में घुस रहे हैं, इतना बड़ा अगासुर, उसका ऊपर का मुंह का हिस्सा जो है बादल को टच कर रहा है, और वो बात क्या कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है राक्षस हो सकता है। तो बोले, राक्षसों को तो अंदर जाने का क्या? दूसरा बोलता है, हाँ जाने का क्या प्रॉब्लम है, गया तो भी कृष्ण है ना, बचाएगा अपने को। कितनी श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा, देखो कितनी दृढ़ और कोमल है, अपनी दृढ़ है। निर्धास्त होकर उसके पेड़ मुंह पे चले गए। कृष्ण वहां पर पेड़ पे बैठे हुए सोच रहे, अरे अजीब श्रद्धा है इनकी, मैं अभी गया भी नहीं हूं, मैं पीछे हूं, फिर भी मेरे ऊपर श्रद्धा रख के ये अंदर जा रहे हैं, तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। आप अगर श्रद्धा रख रहे हो तो कृष्ण कुछ करना पड़ेगा। इमेजिन, ये ग्वाल बालों की श्रद्धा है और ये देवताओं की श्रद्धा है। देवता कैसे? आगे पीछे छुपके चलते रहता है। उस समय ना देवताओं ने नंदन वन से बहुत जहाज भर भर के पुष्प वृष्टि की, और जय हो भगवान की, जय हो जय हो। उस समय धेनुकासुर का जो गधे का शरीर था उसमें से वो उसकी आत्मा जो है ना ज्योति के रूप में निकली, और क्या हुआ? उत्कृष्ट, तेजस्वी, सुंदर और सांवले रंग का कृष्ण जैसा पीताम्बर पहना हुआ, वनमाला पहना हुआ रूप प्राप्त हो गया उसको। सारूप्य मुक्ति ऑन द स्पॉट प्राप्त हो गई। ये जानना जरूरी है बहुत, धेनुकासुर की ज्योति भगवान के अंदर नहीं चली गई, धेनुकासुर को सारूप्य मुक्ति गौलोक वृंदावन की प्राप्त हो गई। विमान आया, उसमें 100,000 विष्णु दूत थे, 4 नहीं थे, 100,000 विष्णु दूत थे। 1,000 ध्वजा थी, 1,000 चक्र थे, और उसको 10,000 अश्व खींच रहे थे। ऐसा विमान आया गोलोक वृंदावन से। 100,000 चामर पीले रंग के, जिसमें बहुत रत्न लगे हुए थे, वो 100,000 चामर से उसका धेनुकासुर के नए शरीर को हवा दे रहे थे। और वो जो चैरियट था जो उनको लेने आया, वो 8 मील लंबा था। इमेजिन, 8 मील कितना होता है? 16 किलोमीटर, अबाउट 18 किलोमीटर्स। और वो जो विमान था वो प्रचंड मन की गति से चलने वाला था, उससे बैठकर वो आए, और उसमें अनंत घंटाएं और अलंकार सुवर्ण सुंदर नाद कर रहे थे जब चल रहा था। वो आता है तो वो जो नीले शरीर का प्राप्त किया हुआ नया धेनुकासुर है, अभी मुक्त हो गया वो, उसने उस चैरियट को प्रदक्षिणा किया, और उसका तेज जो है वो चारों दिशा में फैल गया, और वो बड़े ही क्या कहते हैं शान से, बड़े ही सुंदर तरीके से उसने उसमें आरोहण किया, और वो विमान उसको लेकर गोलोक चला गया। बोलो बलराम जी भगवान की। इस तरह से अभी आप बोलेंगे कि इसको ऐसी मुक्ति क्यों प्राप्त हुई,
क्योंकि उसने जो बना के रखे थे उस ताड़गोड़े का लाभ उन बच्चों को मिला। भगवान प्रसन्न हो गए उसके ताड़गोड़े खाकर। भगवान ने भी खाए, कृष्ण ने भी खाए, बलराम ने खाए, ग्वाल बालों ने खाए, सब लोग खुश हो गए और वो सबके लिए वो तालवन जो है वो हमेशा के लिए ओपन हो गया। एवर ओपन 24/7 कभी भी जाके खाओ। तो इस तरह से कृष्ण, बलराम जी, गाय, ग्वाल बाल सब मिलकर बलराम जी का गौरव कर रहे थे। बलराम जी को गोल उन्होंने सराउंड किया और बीच में खड़े होकर उन्हें बहुत देर तक गौरव किया। अभी कृष्ण ने भी वो युद्ध किया धनुकासुर के साथ, बलराम ने भी युद्ध किया। बलराम ने क्यों मारा, कृष्ण ने क्यों नहीं मारा, एनी रीजन? जब भी प्रहलाद को भगवान ने कृपा किया ना प्रहलाद के ऊपर, हिरण्यकशिपु को मार दिया, तो भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया था कि तुम्हारे 10 पीढ़ी आगे, 10 पीढ़ी पीछे और तुम्हारी 1 पीढ़ी, वो सभी लोगों का मैं उद्धार करूंगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद को हुआ लड़का, उसका नाम था विरोचन। विरोचन को पुत्र हुआ, उसका नाम था बली महाराज। और बली महाराज को पुत्र हुआ, उसका नाम था साहसिक। तो ये साहसिक जो था वो पुराने जन्म में धनुकासुर था, मतलब धनुकासुर पुराने जन्म में साहसिक था, क्यों? बली महाराज का पुत्र था, यानी प्रहलाद के वंश था ना। अभी तो 10 पीढ़ी भी नहीं हुई, तो 3-4 तीसरी पीढ़ी है आगे वाली, पीछे तो हो गई, तो उनका उद्धार हो गया, वो पीढ़ी का भी उद्धार हो गया, प्रहलाद का भी हो गया, हिरण्यकश्यप का हो गया। अभी आगे की 3 पीढ़ी का उद्धार हो रहा है, अभी और 7 पीढ़ी बाकी है। तो उस समय ये जो साहसिक था बड़ा सुंदर था, दैत्य था लेकिन बहुत सुंदर था। 1000 सुंदर सुंदर अलंकार पहने हुए, सुंदर वस्त्र पहने हुए कन्याओं को लेकर वो गंधमादन पर्वत पे गया। कैसा होता है ना, हमको सबको सोचना चाहिए इस बारे में। अपने पास कुछ वेल्थ नहीं है, बहुत छोटी मोटी वेल्थ है, लेकिन जो भी छोटी मोटी आती है ना बड़ा गर्व करते हैं, अरे बड़ी गाड़ी आ गई हमारी, घर लिया हमने, अभी नया जॉब लगाया है, तो जमीन लिया मैंने गाँव में। वर्ल्ड के दृष्टि से कुछ भी नहीं है वो, कोई पेपर में न्यूज़ नहीं आ रहा है कि आपने नया गाड़ी लिया, लेकिन आप सोच रहे हैं मैंने नया गाड़ी लिया। छोटी छोटी बात पर गर्व करते हैं। और साहसिक क्या क्या वैभव उसका, तो बलि का पुत्र है, इतना ऐश्वर्य है, 1 औरत नहीं 1000 सुंदर स्त्रियों को लेकर विहार कर रहा है वो गंधमादन पर्वत पे। और गंधमादन पर्वत कैसा है, बेस्ट ऑफ बेस्ट पिकनिक स्पॉट्स, बेस्ट ऑफ बेस्ट एटमॉस्फेयर। तो वहां पर क्या हुआ, बहुत सुंदर वाद्य बज रहे हैं, सभी वो जो स्त्रियां थी उनके पेंजन बज रहे हैं, अंकल बिल्स की आवाज आ रही है और सब लोग बड़े बड़े प्रेम से हंस रहे हैं। अभी जब बहुत सारे औरतें, अब एक व्यक्ति सुंदर उसका सबको उनका पति के रूप में हो या बॉयफ्रेंड के रूप में हो विहार कर रहे हैं, तो हाँ 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 ये होता है ना, तो बड़े सब 1001 लोग मिलकर बड़े जोरों से हंस रहे हैं, चल रहे हैं, नाच रहे हैं, आवाज़ हो रही है। तो वो दुर्भाग्य क्या था, हम लोग सोच रहे हैं हम इंजॉय कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, बट मटेरियल वर्ल्ड में हर समय एक डेंजर होता है, पदम पदम यद विपतम नतेशाम, एवरी टाइम देयर इज अ डेंजर। आप सोच रहे हैं कितना बेस्ट एटमॉस्फेयर है, सब 1000 स्त्रियां मेरे अनुकूल हैं, सुंदर वस्त्र पहनकर आए, मैं भी अकेला हूं, एकांत है, अभी आनंद लेने का है, सुख लेने का है। लेकिन दुर्भाग्य क्या था, क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड में थे, वो मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, डेंजर आपके मुंह में ऐसा आ करके खड़ा रहता है। उसी गंधमादन पर्वत में एक गुफा के अंदर एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी एकांत में आए हैं एंजॉय करने के लिए, दुर्वासा मुनि भी एकांत चाहिए उनको ध्यान करने के लिए, तो वो शांति चाहिए, तो वो एकांत में आ रहे हैं, इधर ये डिस्टर्ब करने के आए, इनके आवाज से उनका ध्यान भंग हो गया और डिस्टर्ब हो गए। अभी दुर्वासा देखो कैसे, ये तो बहुत बड़ा शक्तिशाली शरीर है उसका, क्षत्रिय का बहुत पावरफुल शरीर है। दुर्वासा मुनि तपस्या करके बहुत पतले दुबले हैं, लंबी दाढ़ी है, सारे चर्म में ऐसा रिंकल 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 पड़े हुए हैं बुढ़ापे की वजह से, और लकड़ी के खड़ाऊ पहने हुए हैं, हाथ में डंडा है उनके, लेकिन उनके मुख पर हजारों ज्वालाओं का तेज है, हजारों ज्योतियों का तेज है उनके मुख पर, ऊपर से क्रोध आया उनको, तो इतना भयंकर तेज जो है
वो कहते हैं कि उनके एक शब्द से, क्रोध में आने वाले एक शब्द से पृथ्वी कांपती है। जिसको शाप दे रहा है उसकी बात छोड़ी दो, सुन रहा है वो भी कांप रहा है। तो ये दुर्वासा मुनि क्रोध से ध्यान भंग हो गया, उठ गए और वो शोर की ओर चलने लगे। कहाँ से शोर आ रहा है? Who has come here? तो देखते हैं कोई, ये सब मजा कर रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। बोलते तो गधे की तरह भोग लेने का प्रयास कर रहे हो। उत्तिष्ट गर्दभ आकार गर्दभो भव दुर्मते। संस्कृत में शाप दिया उनको। क्या बोलते हैं? हे गधे के जैसे काम करने वाले, गधे के जैसे एक्टिविटी करने वाले, उठो। गर्दभो भव दुर्मते, हे दुर्मति तुम यहां पर आकर ऐसा गलत कार्य कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, गर्दभ बन जाओ, गधा बन जाओ। उसी समय वो गधा हो गया। पावर देखो साधु की। हाँ, कितने ऐसे वर्णन हैं, कितने साधुओं का डिस्कशन भागवतम में है। और उसमें विशेष एक बेस लाइन है, सब लोग है ना साधु का अपराध करके ही राक्षस बने हैं, और साधु का अपराध करने के बाद भी वो शाप दे रहे हैं उनको, लेकिन शाप देकर भी उस शाप के अंदर सारे राक्षसों का कल्याण छुपा हुआ है। किसी का बुरा हुआ क्या? देखो वो उधर दारू पी के नल कुबेर मणिग्रीव जो है वो ऐसा नशा में नग्न होकर नाच कर रहे हैं, नारद में जा रहे हैं, देख रहे हैं, अरे इतने क्या कहते हैं कुबेर के पुत्र है ये, कितने बड़ा वंश है उनका, कितने अच्छे पिताजी के पुत्र है वो, अच्छे वंश के बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके कल्याण के लिए शाप दिया, पेड़ बन जाओ। अरे बाप रे, कितने युग तक पेड़ बने रहे, लेकिन बाद में बहुत गिड़गिड़ाए, भाई माफ़ करना, पेड़ बनने वाले, कोई बात नहीं, आप उसी जगह खड़े रहो, वहीं पर कृष्ण भगवान जन्म लेंगे और आप कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शन करेंगे। देखो आप क्या पाप किया, साधु के सामने नंगा होकर दारू पीकर नृत्य कर रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं, उसका शाप क्या मिला, पेड़ बने, लेकिन हुआ क्या, कल्याण। सब राक्षस का ये स्टोरी है। तो जैसे ही सुंदर शरीर और साथ में सुंदर शरीरों का भोग लेने की अनुकूलता है, अचानक गधा हो गया वो, तो कैसा लगेगा आपको? अभी वो लड़कियां क्या बोलेंगी, तो एकदम नम्र हो गया वो, खरा गर्व उतर गया, अपने शरीर का, अपने पावर का, इन स्त्रियों के अधिकार का सारा गर्व उतर गया, चरणों में गिर गया। बोले माफ करो महाराज, हमसे गलती हो गई, उनको पता नहीं था, आप क्षमा कर दो। उन्होंने कहा हमने जो बोला वो होगा, लेकिन हम आपको उस शाप देते हैं कि 400,000 वर्ष तक आप गधा बन के रहोगे, 400,000 ईयर्स। तो उसमें आचार्य बताते हैं जीव गोस्वामी वगैरह कि स्त्री और नशा इसका संग करने से भयंकर उत्पात होता है और पतन होता है, और स्वर्ग का आनंद भी जो है उसका एंड दुख में होता है। अब ये गंधमादन पर्वत में स्वर्गीय आनंद लेने का कोशिश कर रहे हैं, पहले भी लिया होगा, बाद में भी ले रहे हैं, लेकिन कब ये स्वर्गीय आनंद समाप्त होकर बहुत भयंकर दुख भरी घटना होगी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हमारे सारे जो एंजॉयमेंट है वो किसी ना किसी को डिस्टर्ब करते रहते हैं, याद रखना इस बात का। इधर ये लिखा है, आवर एंजॉयमेंट्स कैन बी अ डिस्टर्बेंस टू समवन मोर पावरफुल देन अस एंड विल रिजल्ट इन दिस इन डिजास्टर ऑलवेज पॉसिबल। क्योंकि ये वर्ल्ड जो है ना वो एनवी से बना हुआ है, कोई आपसे ज़्यादा पावरफुल है और उसको आपका सुख देखने को नहीं हो रहा है, इसलिए आपको वो ख़त्म करने को आ जाएगा। कोई कमज़ोर है वो तो जलेगा और आपको शाप देगा। जैसे रावण ने रंभा पर बलात्कार किया, और रावण बहुत पावरफुल है नल कुबेर से, उसकी पत्नी है ना वो रंभा, तो वो उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता है, तो अपने कमरे में बंद कमरे में बैठ कर शाप दिया उसको, उसने जो करना है वो किया उसने। क्या कि किसी की इच्छा के खिलाफ अगर तुम कोशिश करोगे, किसी स्त्री के इच्छा के खिलाफ, तो तुम मर जाओगे, इसलिए उसने सीता को हाथ नहीं लगाया इच्छा के खिलाफ। आगे क्या लिखा है कि कृष्ण ने धेनुकासुर को क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो बलि महाराज के पुत्र थे, प्रहलाद के वंश में थे, साहसिक नाम के, और गोवर्धन को यहाँ वहाँ फेंका गया, लेकिन गोवर्धन भगवान का शुद्ध भक्त है, इसी प्रकार से भी भगवान की सेवा में उसको रखना अच्छा लगता है। हरे कृष्णा, इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से धेनुकासुर का उद्धार हुआ। उसके बाद जैसे धेनुकासुर का उद्धार हुआ, ये सब लीला हुई,
तो अपने स्वामी को मरे हुए देखकर उसके रंग बिरंगी गधे जो थे, हरे पीले नीले और हर प्रकार के रंगी बिरंगी जो थे, वो सारे आ गए अटैक करने के लिए। और सब लोगों को कृष्ण बलराम दोनों ने मिलकर एक एक करके घुमा घुमा के पेड़ पर मारकर उसको सबको गिरा दिया और सबकी मृत्यु हो गई। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं और जीव गोस्वामी बताते हैं कि ताल वन में देर वॉज अ वेरी पैनोरमिक सीन, बहुत सुंदर कलरफुल सभी मरे हुए गधे वहाँ पर पड़े हुए थे। चलिए, सबसे खुशी की बात थी कि जो लॉकडाउन में था वो खुल गया तालवन, और सबके लिए ताल का आनंद लेने का जो मुमकिन मौका था वो प्रस्तुत हो गया। तो इस प्रकार से भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। इसके आगे कहते हैं गर्मी आ गई, गर्मी का मौसम आया, वृंदावन में गर्मी बहुत हीट होती है, लेकिन कृष्ण बलराम के होते हुए 6 ऋतु उनकी सेवा में थे इसलिए गर्मी का इतना असर नहीं हुआ उनके ऊपर। तो क्या क्या सीन है देखो, गर्मी के मौसम में भी कहते पानी जो गिर रहा है ना झरनों में, वाटरफॉल्स, उसकी ध्वनि सब जगह पर भरी हुई है वातावरण में। उसके बीच में जो होता है ना क्रिकेट्स, क्या बोलते हैं आप उसको हिंदी में, रात कीड़ा, रात को ट्रेट ट्रेट ट्रे आवाज़ करते हैं ना, उनकी आवाज़ भी आ रही है लेकिन दिन में आ रही है। कभी कभी जंगल में दिन में भी रात कीड़ा बजता है, शहर में रात में बजता है लेकिन जंगल में दिन में भी रात कीड़ा बजता है। और उन जलाशय के अंदर से जो जल प्रवाह गिर रहा है उसके जो तुषार यानी जल बिंदु जो हवा में गिर रहे हैं उससे सारे पेड़ जो है वो गीले हो रहे हैं, वृक्ष वृंदावन के। और जो हवा है वो उस ठंडक को और फूलों के पुकेसर को, पोलेंस, उनको लेकर चल रही है मंद मंद। तो हवा का गुणधर्म क्या है, मंद, शीतल, सुगंधित। सुगंधित किससे है, पोलेंस से, और शीतल किससे है, जो जल गिर रहे हैं ना उसके तुषार जो हवा में फैल रहे हैं उसके जल शीतल हो गए हैं, और मंद मंद वो खुद जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हवा बहुत तेज आ गई ना तो उसका एंजॉयमेंट नहीं मिलता है। और वायु का पर्पज क्या है वृंदावन धाम में, एक तो एंट्री नहीं मिलती है, और एंट्री मिली है तो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए वो शीतल सुगंधित होकर मंद मंद बह रहे हैं ताकि भगवान और ग्वाल बालों के त्वचा को आनंद मिले। फिर सब जगह पर फ्रेश ग्रीन ग्रास, ताज़ा ताज़ा जो घास है वो सब जगह उग रही है, फूल खिल रहे हैं, वहाँ पर हिरन और बाकी सुंदर सुंदर खरगोश जैसे जानवर जो है वो यहाँ वहाँ विहार कर रहे हैं, और बर्ड्स जो पक्षी है वो सुंदर सुंदर ध्वनि कर रहे हैं। ऐसा सुंदर वातावरण है जिसमें कृष्ण बलराम मुरली बजाते हुए ऊना वन में प्रवेश किया। कौन से वन में प्रवेश किया, भांडीर वन में। उन्होंने अपने आप को नए नए उगे हुए जो ग्रास है, ग्वाल बाल क्या करते हैं ना जाते जाते सब वो घास उगाते निकालते रहते हैं और कृष्ण बलराम को लगाते रहते हैं कान के ऊपर, बहुत डेकोरेट करते हैं उनको, तो उन्होंने फ्रेश ग्रोन ग्रास इसका श्रृंगार किया था। मोर पंख पहना हुआ था, वनमाला पहनी हुई थी, और ऐसे फूलों के गुच्छा गुच्छा जो है वो कान पे गले में सब जगह डेकोरेट किया था, और अनेक प्रकार के रत्न जो है उनसे बनाए हुए श्रृंगार पहना था। तो नृत्य करते हुए गाते हुए बीच बीच में कुश्ती खेलते हुए वन में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, बच्चे लोग हैं ना, आनंद ले रहे हैं बहुत। ये कहते हैं कि उस समय जीव गोस्वामी कहते हैं कि उस समय कृष्ण का मुंडन नहीं हुआ था इसलिए कृष्ण के लंबे लंबे बाल थे, बलराम जी के लंबे लंबे बाल थे। आपको पता है कृष्ण का मुंडन किधर हुआ, कृष्ण का मुंडन, बलराम जी का मुंडन केदारनाथ का जो आदि केदार है ना, काम्यवन में बद्री और केदार दोनों प्रकट हो गए। केदारनाथ है, बद्रीनाथ भी है, और गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है। उसका स्टोरी ऐसा है कि एक दिन कृष्ण नंद महाराज बोले कि हम जा रहे हैं बाहर तीर्थ यात्रा के लिए। तो आपको पता है जब भी नंद महाराज ब्रज के बाहर जाने का प्लानिंग करते हैं ना तो कृष्ण भगवान को अच्छा नहीं लगता है, तो पहले वाके पूछते हैं क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, चार धाम की यात्रा करना है। क्यों, क्या ज़रूरत है। अरे जब तुम नहीं हुए थे ना तो तुम्हारा जन्म होना चाहिए, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए हमने वादा किया था, संतान होगी, पुत्र प्राप्ति होगी, तुम चार धाम की यात्रा करके स्नान करेंगे, इसलिए अभी आपका जन्म हो गया, 7 साल हो गए, तो हमको जाना चाहिए अपना वादा पूरा करने के लिए। तो भगवान ने कहा कि आपको ना चार धाम करने की कोई ज़रूरत नहीं, चार धाम को मैं इधर बुला लेता हूँ। स्मरण किया तो बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री
सब वहाँ प्रकट हो गए। पंचबद्री, पंच केदार, सब नदियाँ, जो सरयू, वो कुमायूं माउंटेन, गढ़वाल माउंटेन, सब प्रकट हो गए उधर। और उन्होंने देखा साक्षात हिमालय। खाली लाभ क्या था, हिमालय तो बहुत ऊंचा होता है चढ़ने के लिए, ये तो बहुत छोटा सा, लेकिन हिमालय पूरा प्रकट हो गया, लेकिन छोटा होकर प्रकट हो गया। नदियाँ भी बहुत पास में प्रकट हो गई। तो तुरंत बद्रीनाथ में, वहाँ के बद्रीनाथ में जाकर नंद बाबा ने सब स्नान किए, केदार में गए, शिव जी का दर्शन किया, गंगा जी यमुना जी में स्नान किया और आगे बड़े खुश हो गए। फिर केदार, बद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री वहीं विराजमान हो गए, आज भी वहाँ पर विराजमान है। भगवान के धाम में सारे तीर्थ आश्रय ले चुके हैं, लेकिन एक उसमें जब वो आते हैं तो उनके अंदर एक परिवर्तन होता है। जो बाहर जितने कठिन है उनको प्राप्त करना, पहुंचना, उनके पास जाना, उनका दर्शन करना, भी आप जमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, कितना ठंडी होती है उधर, अगर पानी वो बहता नहीं था ना तो वो बर्फी हो जाता, वो खाली बह रहा है इसलिए पानी है। अलग नंदा बद्रीनाथ में बह रहे इसलिए पानी है, रुक गई तो बर्फ, इतना ठंड है उधर। अभी अभी जाके आए मैं अप्रैल मई में, तो वो सारा जो डिफिकल्ट धाम है ना, वो ब्रज में आते ही अपना डिफिकल्ट नेचर जो है वो आसान हो जाता है। वही केदारनाथ जो है सबसे डिफिकल्ट धाम है पहुंचने के लिए, हवा भी, दबाव बहुत कम है, ऑक्सीजन भी बहुत कम है, और ऊंचाई और चढ़ान उधर कोई साधन नहीं है, तो कम से कम 14 किलोमीटर या तो गधे खच्चर के ऊपर या अपने पैर से चलना पड़ता है, सबसे डिफिकल्ट है वो। आंधी आती है, तूफान आता है, ग्लेशियर नीचे जाता है, क्या क्या नहीं होता है उधर, हर दिन में नया स्टोरी है उधर। कोई जिंदा लौट के आएगा गारंटी नहीं होती है, गया तो कभी लौट के आएगा मालूम नहीं है, क्योंकि बीच में बारिश आ गई और चट्टान गिर गई तो फिर 10 दिन बंद, जब तक खाली नहीं होता रास्ता। तो वो डिफिकल्ट जो तीर्थ स्थान है वो ब्रज में आते ही अपना डिफिकल्ट स्वरूप छोड़ देते हैं और आसान बन जाते हैं। आज भी ब्रज के केदारनाथ पे आप 3 मिनट के ऊपर चढ़ के जा सकते हो। पत्थर का बना हुआ नंदी है और नंदी के 4 पैर के नीचे शिवलिंग का दर्शन है केदारनाथ जी का। और वहाँ पर जाएंगे केदारनाथ में, बद्रीनाथ में और कहीं भी जाएंगे, प्रयाग में जाएंगे, तो आपका पापों का खलन होगा, पाप से मोक्ष प्राप्ति होगी। लेकिन कहीं भी लिखा नहीं है कि आप त्रिवेणी में स्नान करेंगे तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्लीज़ नोट वेरी केयरफुली, जितने भी तीर्थ है पाप मोक्ष, पाप नष्ट होंगे और मोक्ष मिलने की संभावना है, अमृत मिल सकता है, लेकिन प्रेमा भक्ति नहीं प्राप्त होने का गारंटी किधर दिया है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्रेमा भक्ति कब प्राप्त होती है, जब भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा होती है तब प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से भी नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान ने प्रेमा भक्ति का जो गोदाम है उसका चाबी संतों को दे के रखा है, और संत को आप प्रसन्न करोगे तो संत लोग कृपा करेंगे प्रसन्न होकर, तो प्रेमा भक्ति का भंडार खुलेगा हमारे लिए। लेकिन ब्रजभूमि भी भगवान का भक्त है, क्योंकि वो बलराम जी स्वयं वहाँ पर अपना विस्तार बना के रखे हैं, सब भूमि बलराम जी का विग्रह है। तो ब्रजभूमि जब भी आश्रय लेते हैं तो ब्रजभूमि का स्वभाव क्या है, कृष्ण प्रेम। जब भी कृष्ण बलराम की सुरक्षा जब खतरे में आई गोकुल में, हाँ, 1 साल के बाद में रोज आ रहे हैं, तो उपनंद बाबा ने मीटिंग की और बोला कि अभी यहाँ से हम लोग को डिस्चार्ज होना चाहिए, इधर नहीं रहना चाहिए। तो कहते हैं कृष्ण बलराम को लेकर सारे ग्वाल बाल बैलगाड़ियों में बैठकर सामान वामान लेकर, छकड़ा बोलते हैं उसको, बैलगाड़ी को छकड़े में बैठकर, हजारों छकड़े में सामान डालकर, मखमली चादर पहनकर कृष्ण बलराम को बैठाकर यशोदा रोहिणी जा रहे हैं। और जैसे ही रास्ता में, पहले उपनंद बाबा ने वर्णन किया था कि वृंदावन है वहाँ पर हम जाएंगे, गोकुल मथुरा से बहुत पास में है, यहाँ राक्षस आके कभी भी जंप मारेगा तो यमुना से आ सकता है, बहुत नज़दीक है, कृष्ण बलराम की सुरक्षा खतरे में है, तो हमें दूर जाना चाहिए। और उन्होंने वर्णन किया है उपनंद बाबा ने, भागवत में है वृंदावन कैसा है, क्यों जाना चाहिए वहाँ पर। बोलते वहाँ पर पर्वत है गोवर्धन, वहाँ पर यमुना जी बहती है, वहाँ पर बहुत सारे वन है, वहाँ पर बहुत सारे फूल है, फल है, बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत बढ़िया सुंदर दृश्य भूमि है, प्रेक्षणीय भूमि है। तो ये सुना तो था, लेकिन जब कृष्ण बलराम वास्तव में वृंदावन में प्रवेश किए तो क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि वृंदावन को देखकर कृष्ण भगवान और बलराम जी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इसका अर्थ यह है
कि जो सारे विश्व को, सारे निर्माण को, क्रिएशन को आनंद देते हैं, उनको वृंदावन ने आनंद दिया, उनको भी आनंद देने में वृंदावन सक्षम है, ऐसा वृंदावन धाम है, ऐसा उसका गौरव किया है सुखदेव जी ने। तो वो वृंदावन जो कृष्ण बलराम को आनंद दे सकते हैं, वही वृंदावन प्रेम भक्ति भी देते हैं। तो अगर आप बद्रीनाथ में स्नान करेंगे तो आपके पापों का नाश होगा और आपको शायद मुक्ति मिल सकती है। अभी वही बद्रीनाथ में, वृंदावन धाम में, काम्यवन में आप स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, तो आपका पाप नष्ट होगा, मोक्ष मिलेगा, लेकिन प्रेम भक्ति मिलके गौलोक वृंदावन जाने का लाभ मिलेगा। वो एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल स्वभाव उन धाम के अंदर आता है जब वो धाम में आकर आश्रय लेते हैं। वृंदावन धाम में यू एडॉप्ट द नेचर ऑफ धाम। हमारे नरसिंह भगवान है ना मायापुर में, लेकिन कहते हैं कि वो मायापुर के नरसिंह भगवान अति उग्र अवस्था में है, देवताओं के पास भी इतने उग्र नरसिंह भगवान नहीं है जो हमारे मायापुर में है, अति अति उग्र, अभी तो बाहर ही निकले खंबे से, तो इंद्र के पास भी ऐसी मूर्ति नहीं है। लेकिन जब वो मायापुर में स्थापन किए गए, उन्होंने मायापुर धाम का भाव क्या है, औदार्य, म्यूनिफिसेंस, दया, करुणा, वो स्वीकार कर लिया उन्होंने। दुष्टों के लिए वो नरसिंह भगवान उग्र भाव में है, लेकिन भक्तों के लिए, प्रहलाद जैसे भक्तों के लिए वो प्रेमा भक्ति देने वाले उदार हृदय औदार्यमय भगवान है। कृष्ण भगवान भी मथुरा के हैं, अपराध बहुत लेते हैं वो, वृंदावन धाम में रहते समय अपराध लेते हैं, आप उनके साथ में मजाक नहीं कर सकते हैं, बहुत सावधानी से वृंदावन में रहना पड़ता है, धाम अपराध होता है, कृष्ण अपराध होता है, विग्रह अपराध होता है, और सारे अपराध एक लक्ष्य बार गुणित करके गिने जाते हैं। वृंदावन धाम बहुत डेंजरस है, राधा कृष्ण की पूजा भी बहुत कठिन है, लेकिन मायापुर में जाएंगे, मायापुर धाम कोई अपराध नहीं लेता, गौरांग महाप्रभु कोई अपराध नहीं लेते, वो मायापुर का और गौरांग महाप्रभु का गुणधर्म है, और वहाँ पर आके जो भी बसते हैं वो सब लोग उसी भाव के हो जाते हैं। मैं आपके पास में आकर रह गया तो कुछ दिन के बाद मैं आप जैसा ही बोलने लगेगा, आप जैसा ही बात है, आप जैसा ही स्वभाव मेरे में आ जाएगा, जैसा संग वैसा रंग। तो ये बद्रीनाथ केदारनाथ वृंदावन धाम का संग करते हैं, उन्हीं का गुण अपना लेते हैं। अभी बताओ ये बात कहाँ से निकली थी, बताओ, कोई बात नहीं। तो ये बात निकली थी कि कृष्ण का मुंडन जो है वो केदारनाथ में हुआ था। ऐसी कथा में जब दूसरी कथा आती है ना, उसको उपाख्यान कहते हैं शास्त्र की भाषा में। तो कृष्ण भगवान का मुंडन विधि जो है वो केदारनाथ में हुआ था। शांडिल्य मुनि के पौरोहित्य में नंद बाबा, यशोदा सब पैकिंग करके वहाँ चले गए थे, वो वेन्यू में उन्होंने कृष्ण के सुंदर बाल जो है वो कटवाए थे। तो अभी उनके बड़े बड़े बाल हैं, मुंडन नहीं हुआ है अब तक। तो वो कहते हैं कि जो कौवा के पत्ते होते हैं ना, पंख होते हैं ना, वैसे जीव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, उनके वो बांधे हुए बाल थे ना, ऐसे लंबे लंबे वैसे दिखाई पड़ रहे थे। तो कृष्ण ने बहुत नृत्य किया, कुछ बच्चों ने उनके साथ नृत्य किया, कुछ बच्चों ने मुरली बजाई, कुछ बच्चों ने करताल बजाया, कुछ बच्चों ने बफेलो हॉर्न बजाया, कुछ बच्चों ने उनकी स्तुति किया, गायन किया। कृष्ण बलराम गोल गोल घूमे, कभी जब छलांग लगाई, कभी जंप मारी, कभी एक दूसरे को प्रेम से ऐसे स्लैप किया उन्होंने, तो कभी एक दूसरे के साथ में युद्ध किया, कुश्ती खेला, ये सब साथ साथ हो रहा है। यू कैन इमेजिन द बिग क्राउड ऑफ बॉयज आर कमिंग, ऑल मस्ती 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 करते करते आ रहे हैं। कभी कृष्ण बलराम ने उनके बाल खींचे, कभी उन्होंने कृष्ण बलराम के बाल खींचे, ऐसे करते हुए गीत गाते हुए नाचते हुए सब लोग ने वो वन में प्रवेश किया। फिर उन्होंने खेलना शुरू किया, कैसे खेलते भगवान देखो, कृष्ण और बलराम बेल के फ्रूट है ना, बहुत कड़क होता है, सीजन बॉल जैसा होता है, उसके साथ कभी कुंभक के फ्रूट के साथ खेल रहे हैं, कभी बेल के साथ फ्रूट के साथ खेल रहे हैं, कभी लुका छुपी खेल रहे हैं, कभी किसी की आंखें बंद करके हाइड एंड सीख खेल रहे हैं, कभी वो ब्लाइंड मैन ब्लफ, पता है क्या होता है ब्लाइंड मैन ब्लफ, आपने नहीं खेला बचपन में कभी, वो रुमाल लेते हैं और एक को ऐसा वो ऐसा ऐसा करके छुट्टी छुट्टी करते हैं, एक बचता है उसमें से लास्ट में, है ना, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे करेंगे तो चार लोगों का तीन ऐसे होगा, एक का ऐसा होगा वो बाजू में, फिर उसको पट्टी से, काले पट्टी से आंखें बंद करेंगे और क्या करेंगे, गोल 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 घुमाएंगे उसको, और बाकी लोगों को उनको एक को स्पर्श करना है, किसी को भी एक को स्पर्श करना है, तो भी अंधा है वो, मतलब दिखता नहीं उसको, दृष्टि नहीं है, तो वो ऐसा 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 करके जाएगा और वो उसको पीछे से फटका मारेंगे, तो उसको लगेगा पीछे, तो टर्न करेगा पीछे, तो हाथ लगाने को जाएगा, हाथ नहीं लगा सकेगा उसको, ऐसे करके सब लोग हा करके सब लोग गोल गोल घूम रहे हैं, वो बेचारा बीच में घूम रहे हैं, और अचानक किसी का हाथ लग गया, किसी को उसका हाथ किसी को लग गया,
तो पट्टी निकालेगा, उसको पट्टी लगाएगा। इसको कहते हैं ब्लाइंड फोल्ड। बड़ा मजा आता है उसके अंदर, गोपियां भी खेलती है ये। इसके अंदर भी बहुत लीलाएं हैं ब्रज में, गोपियां जब लुका छुपी खेलती थी। एनीवेज, तो फिर ये सब गेम हो गया बहुत सारे, फिर ये चेंज हो गया, फिर वो सब क्या हो गया, अभी आप मेंढक बन के दिखाओ, कोई गधा बन के दिखाओ, सब लोग अपना एक्टिंग कर रहे हैं, मेंढक बन के एक्टिंग कर रहे हैं, गधा की एक्टिंग कर रहे हैं, गाय की एक्टिंग कर रहे हैं, उसका आवाज़ निकाल रहे हैं, पक्षी की आवाज़ निकाल रहे हैं, इमिटेशन, अलग अलग टाइप के गेम्स खेल रहे हैं। कभी कुछ फूल निकाल, फल निकाल के आकाश में फेंकता है, कोई कैच करता है, फिर वो ऊंचा आकाश में फेंकता है, फिर वो कैच करता है। इस प्रकार से बहुत देर तक खेलते रहे। फिर कृष्ण भगवान ने और बलराम जी ने अपनी मुरली निकाली और अपने गाय चराने की काठी जो है वो आकाश में घुमाते हुए, मुरली बजाते हुए नृत्य करने लगे। फिर क्या हुआ, फिर अभी एक गेम खेलते हैं, सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। उस दिन क्या हुआ था, एक ग्वाल बाल नहीं आया था किसी कारण से। इसमें एक विशेषता है, कृष्ण भगवान को सारी गायों का नाम के साथ पहचानती, केवल अपनी नहीं सारे ग्वाल बालों के गायों का भी नाम के साथ पहचानती। दे न्यू एवरीबडी, हर एक ग्वाल बाल का नाम पता था, हर एक ग्वाल बाल का सब हैबिट क्या है उसका, कोई इधर पेंसिल रखता है, कोई इधर इधर फूल रखता है, सब हर प्रकार के हैबिट उनको बाय हार्ट थी। तो एक दिन वो, उस दिन जिस दिन ये खेल रहे हैं उस दिन वो नहीं आया, तो प्रलंबासुर नाम का राक्षस में उसमें प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया, उस न आए हुए ग्वाल बाल का रूप धारण करके प्रवेश किया। इसका अर्थ क्या होता है, माया ना, माया बहुत स्टडी करती है, बिना स्टडी के अटैक नहीं करती है। क्या अटैक करती है, क्या स्टडी करती है, आपकी कमजोरी कहाँ है, पहले उसका स्टडी करती है और कमजोरी पर ही अटैक करती है। देखो सीता देवी निरपेक्ष थी, कोई लालसा नहीं थी उनको, लेकिन एक लालसा हुई कि हिरण चाहिए मुझे, उसी को पकड़ के पूरा लीला आगे का लीला हुआ। माया देवी ने उधर ही पकड़ के उसमें ही अटैक किया उसका पूरा। तो वो क्या लीला बताती है कि आप सीता भी होंगे महान व्यक्ति, लेकिन एक कमजोरी होगी उसी पर माया प्रहार करेगी। हम लोगों की जो कमजोरियां हैं वो माया स्टडी करती है, कभी कभी हमारी कमजोरियां हमको भी पता नहीं होती है, बड़ी सूक्ष्म होती है, लेकिन माया बराबर स्टडी करती है, उसको बोलते हैं रेकी, रेकी करती है वो, और ढूंढ के निकालती है और उसी पर अटैक करती है। आपके स्ट्रेंथ पर कैसे अटैक करेगी वो, माया का पराजय होगा ना उधर, माया को जीतना है, हमको कंट्रोल करना है। तो अभी वो पूरा स्टडी करके, वो जो प्रलंबासुर था वो कंस का सैनिक है, परफेक्टली उसका रूप लेके आया है ताकि सब लोगों को लगेगा कि वो आया है, आप क्यों बोल रहे हो नहीं आया, वो तो आए खेल रहा है। लेकिन कृष्ण इमिजिएटली समझ गए कि ये प्रलंबासुर है, ये राक्षस है, ये हमारा ग्वाल बाल नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों में एक विचित्र भाव था, है ना। राक्षस लोग है ना, कितना भी रूप बदलेंगे ना, उनका जो स्वरूप है ना, उनका जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है। देखो पुतना भी कितनी भयंकर राक्षसी है, हाँ बच्चों का दूध खून पीने वाली है, और उसने सुंदर लक्ष्मी जैसे गोपी का रूप धारण किया है, अति सुंदर, श्रृंगार करके हाथ में कमल लेके जैसे लक्ष्मी देवी चलती है वैसे आ रही है। लेकिन सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि उसकी चाल देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो अच्छे घर की है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, द वे शी इज वॉकिंग इट इज क्लियर शी इज नॉट अ कल्चर्ड वुमन। इधर उधर देख रहे हैं ऐसे ऐसे, कोई भी ब्रज की औरत जो है वो बिना पल्लू लिए नीचे सर किए रोड पे चलेगी नहीं, और ये रोड पे चल रही है पूरा पल्लू वल्लू कुछ नहीं, इधर उधर देख सबको नजर दे रही है, सबको दृष्टि देख रही है, ऐसा करके करके आ रही है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि इसकी चाल से, इसके व्यवहार से पता चल रहा है कि ये अच्छे घर की नहीं है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तेवर चरित्र अच्छा नहीं है इसका। फिर भी सुखदेव जी वर्णन क्यों कर रहे हैं उसका, सुखदेव जी खुद बोल रहे हैं फिर भी वर्णन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आचार्य बताते हैं कि है तो राक्षसी, है तो उल्टा, है तो चरित्रहीन, लेकिन जा कहाँ रही है, कृष्ण की ओर जा रही है, इसलिए इसको वर्णन करना योग्य है। बिकॉज शी इज गोइंग टू कृष्णा शी इज वर्थ डिस्क्रिप्शन, इसलिए सुखदेव जी उसका वर्णन कर रहे हैं। एनीवेज, तो कृष्ण ने उनको तुरंत पहचान लिया, लेकिन दिखाया नहीं कि मैं पहचान लिया, थोड़ा सा उसका नाटक चलने दो, उसको लगने दो कि मैं यशस्वी हो रहा हूँ। तो उसने क्या किया, जैसे उसको देखा कृष्ण के मन में एक आइडिया आया, चलो हम एक गेम खेलते हैं, हम दो पार्टी में डिवाइड होते हैं। हमेशा उनके खेल में दो पार्टी होती है, एक पार्टी के इंचार्ज बलराम होते हैं, एक पार्टी के इंचार्ज कृष्ण होते हैं।
जिसको जिसको पार्टी लेना है वो डिवाइड हो जाओ, दोनों पार्टी डिवाइड हो गई, कुछ बलराम के पक्ष में गए, कुछ कृष्ण के पक्ष में गए। और उन्होंने बोला कि हम लोग जो खेल खेलेंगे उसका वर्णन नहीं दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कौन सा खेल खेला, लेकिन जो हारेगा, जो पक्ष हारेगा वो जीते हुए पक्ष को अपने सर पे उठाएगा, कंधे पे उठाएगा और राउंड देगा, राउंड। ये गेम वो हर रोज खेलते थे, गेम कोई भी हो लेकिन दंड उसका सेम होता था। उनको ना अपने फ्रेंड के ऊपर चढ़ के घूमने को मजा आता था बहुत। तो फिर वो गेम शुरू किया, तो वो राक्षस था ना प्रलंबासुर, उसने क्या किया, उसने कृष्ण का पक्ष लिया, क्योंकि वो कृष्ण से थोड़ा डरता था। उसने कहा कृष्ण बहुत भारी है, हम कृष्ण का पक्ष लेंगे और कृष्ण का पक्ष अगर जीत गया या हार गया तो बलराम जी का मेरा सामना होगा, मतलब या तो मैं उसको उठाऊंगा या तो वो मुझे उठाएगा, अंडरस्टैंड। अगर कृष्ण का पक्ष में भाग लेगा और कृष्ण का पक्ष जीत गया तो बलराम का पक्ष हमें उठाएगा, यानी मुझे उठाएगा, अगर वो हार गया तो हमारे ऊपर वो रहेंगे, दोनों तरफ से मुझे बलराम मिलेंगे तो मैं मार डालूंगा उसको। और वो गेम में क्या हुआ, कृष्ण का पक्ष जीत गया, बलराम का पक्ष जो है नहीं, बलराम का पक्ष जीत गया, कृष्ण का पक्ष हार गया। श्रीदामा और ऋषभ इन्होंने बलराम का पार्टी ज्वाइन किया, भद्रसेन और प्रलंब इन्होंने कृष्ण का पार्टी ज्वाइन किया, बलराम का पार्टी जीत गया। तो कृष्ण ने श्रीदामा को कंधे पे उठाया, बहुत लोगों ने बहुत लोग उठाएगा, मेन बता रहे हैं, और प्रलंब ने बलराम को उठाया। अभी कृष्ण श्रीदामा को भी हारे ना, हार गए, तो श्रीदामा को अपने कंधे पे अगर चल रहे हैं, श्रीदामा क्या बोल रहे हैं, कल जब मैं हारा था तो तुमने कितना मुझे गाली दिया, ऊपर बैठ के दूर लेके चलो, ठीक से लेके चलो, नाचते हुए चलो, और आज मुझे शॉर्ट राउंड दे रहे हो, हाँ कल मुझे कितना तड़पाया था, आज मैं जीत गया हूँ, अच्छा राउंड दे दो। ऐसा डिस्कशन हो रहा है उनके, और कहते हैं वो पूरे भांडी रोड में घूम रहे हैं और प्रलंबासुर भी बलराम को लेकर घूम रहे हैं। अब सोच सकते हैं बलराम जी को उठा रहे हैं, कितना शक्तिशाली रहेगा वो, भले बालक रूप में है। अभी आगे बताता हूँ। और सब लोगों का एक फिक्स था कि भाई कारवार मंदिर को वो गेस्ट हाउस से लेकर राउंड देने का, पूरा गेट के पास जाने का, फिर ये दरवाजे से अंदर आने का, वहाँ तक पहुँचने का फिक्स है उनका, इतना राउंड देना है उनको। तो सब लोग उनको राउंड देके उतार रहे हैं, बीच में झिकझिक हो रही है लेकिन वो करके उतार रहे हैं। प्रलंबासुर जो है वो बलराम जी को लेकर दूर 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 जा रहा है, भांडीरवन के बॉर्डर पे गया वो, तो बलराम जी को अच्छा लग रहा है, अरे अच्छा लंबा सफर दे रहा है बिना झगड़े के, दे दो। लेकिन अचानक भांडीरवन का बॉर्डर पे आके ना वो आकाश में उड़ गया, फ्लाइंग इन द स्काई। तो कहते हैं बलराम जी कुछ देर के लिए लीला के रूप में डर गए, अरे क्या कहाँ लेके जा रहे, हवा में उड़ के लेके जा रहे, दूर लेके गया उनको, बहुत दूर। आपको पता है कहाँ लेके गया, यू शुड नो, वो एक जगह है मथुरा और दिल्ली के बीच में, उसका नाम है पलवल, उधर तक ले गया। वो उधर तक ले गया तो बलराम जी को समझ में आया, अरे ये तो राक्षस है। तो बलराम जी ने सुमेरु पर्वत का वजन धारण किया, अभी रियल बात है, पहले तो बालक था वो छोटा सा, लेकिन बलराम जी ने सुमेरु पर्वत का वजन धारण किया जो हिमालय से भी कई हजारों गुना भारी है। तो सुमेरु पर्वत का वजन भार हो गया तो वो बालक का रूप में आया था, बालक का रूप छोड़ दिया उसने और अपना ओरिजिनल रूप धारण किया, और सुमेरु पर्वत जैसे वजन को उठा रहे, वो सोच रहे हैं, वो मारने का प्लानिंग कर रहे हैं, कितना शक्ति रहेगा उसके अंदर, इमेजिन। तो बलराम ने सोचा बस हो गया बहुत, अभी इतना दूर तो लेके आया, मेरा बालों का संग छुड़वा के और हवा में उड़ के इधर लेके आया, बस हो गया इसका खेल। कहते हैं कि जब भी वो अपना ओरिजिनल मूड भाव में आया ना तो उसका बॉडी भी बहुत तेजस्वी था, प्रलंबासुर का, बहुत बड़े बड़े चमकदार गोल्ड के अलंकार पहने थे उसने, लगता था कि आकाश में एक बिजली की तरह वो चमक रहा था, इतना पावरफुल शरीर था उसका, और वो लग रहा था कि आकाश में तेजस्वी कोई बादल चल रहा है जो चंद्र को लेके चल रहा है अपने सर पे, यानी बलराम जी को, ऐसा वर्णन जीव गोस्वामी करते हैं। उसकी आंखें बहुत लाल कोयले की तरह तड़प रही थी, उसके बाल लाल रंग के थे, सब जगह फैल रहे थे, उसके बहुत भयंकर नोकदार दांत थे। तो कुछ समय के लिए बलराम डर गए, लेकिन बाद में फिर बलराम जी को क्रोध आया और उसने एक फिस्ट को अपना बनाया और उसके सर पे मारा, तो उसका सर जो है ना वो क्रैक हो गया। क्योंकि आचार्य लिखते हैं जैसे इंद्र का वज्र का प्रहार
पहाड़ के चोटी पे होता है तो पहाड़ की चोटी दुभंग जाती है, दो टुकड़े होते हैं और लावा रस आता है ना, वैसे वैसे उसका सर जो है वो फट गया और उसने खून की उल्टी की, वो बेहोश हो गया और वहाँ से नीचे गिर के बहुत भयंकर आवाज़ करके ज़मीन पर गिर गया धाड़ करके। उस समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया और फिर बलराम जी वहाँ से लौट के भांडीरवन में आए। अभी वो जगह का नाम पलवल पड़ा, क्यों? क्योंकि उसका नाम है प्रलंब वधस्थल, प्रलंबासुर वधस्थल, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया पलवल। वहाँ से बलराम जी भाग के फिर वापस आए। आज भी वो कम से कम 150 किलोमीटर दूर है भांडीरवन से। जब लौट के आए तब सब ग्वाल बाल उनको माला पहनाई और जय जय बलदेव, जय बलदेव, जय दाऊ जी करके गौरव किया और सब लोगों ने एक एक करके उसको आलिंगन दिया बलराम जी को। मजा आता है ना इधर, देखो कृष्ण बलराम को सब लाइन में खड़े के करके एम्ब्रेस कर रहे हैं, भगवान भी गले मिल रहे हैं उनको, उसी के लिए तो आए हैं वो वैकुंठ छोड़कर। देखो आप सोचो इतना प्रेम है ग्वाल बालों के ऊपर, इतना उनका अप्रिसिएशन है दूसरे के लिए। तो ऐसे कृष्ण बलराम ने बहुत सुंदर सुंदर लीला किया है ब्रज में। उनकी बाल लीला जो है वो केवल राक्षस वध की नहीं है, माखन चोरी है, डांस है, गौचारण लीला है। वो कृष्ण बलराम है ना जो गौचारण करते थे ना, उस समय नंदगांव में, भांडीरवन में, गोवर्धन में, मथुरा में, वृंदावन में ऐसे बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे जिसकी जड़ जो है उस स्थान में है जहाँ पर से आ रहे हैं, लेकिन शाखा उसकी पूरे ब्रज में जा रही है, काम में वन तक जा रही है, यहाँ से मथुरा तक जा रही है, यहाँ से वृंदावन तक जा रही है, ऐसे पेड़ हुआ करते थे। तो बहुत बार ये कृष्ण बलराम ग्वाल बालों को लेकर गौचारण ना वो शाखा पर चलते हुए करते थे, यू अंडरस्टैंड। वो शाखा जो है वो ऊपर है, उस पर सब चल रहे हैं और नीचे गाय चल रही है, हेट 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 करके उसको चला रहे हैं, अरे ऊपर से चल रहे हैं और वन से वन क्रॉस कर रहे हैं, वो भी वन से वन क्रॉस करते जा रहे हैं केवल उसके ऊपर। जब मूड आ गए तो नदी आ गई तो नदी के जंप मारते थे हम लोग, अभी मैं भाई मारूंगा ऐसे करके जंप मार रहे हैं। कभी बोल रहे हैं तू मेरे कंधे पे बैठ फिर मैं जंप मारूंगा, तो वो पेड़ की शाखा पर उसके ऊपर कंधे पर बैठ के वहां से दोनों जंप मार रहे हैं। कभी फिर जमीन पर उतरते थे और सब लोग मेंढक बन रहे हैं और मेंढक कैसे जल में कूदता है जमुना जी के जल में, ऐसे मेंढक करके जमीन पे कूदते 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 जल में कूद रहे हैं, फिर वहां से वापस आ रहे हैं, वापस मेंढक बन के वापस कूद रहे हैं, फिर जल में वाटर फाइटिंग हो रहा है, इस प्रकार के गेम खेलते थे। फिर दोपहर के समय पे एक राक्षस आता था हर रोज, फिर उसका क्योंकि क्या है ना देवता लोग अपना पर्पज में क्लियर है, वो जानते हैं कि इनकी तरफ से राक्षसों का वध होना चाहिए, खेलते ही रहेंगे तो फिर वो खेलते ही रहेंगे, क्योंकि भगवान को अपने दोस्तों के साथ में खेलने में इतना मजा आता है कि उसमें रुकावट आनी नहीं चाहिए, वो खेलते रहेंगे तो उनको भूख भी लगेगी नहीं, तो भोजन भी खिलाना है। तो इसलिए दोपहर के समय देवता लोगों की तरफ से प्रेरणा होती थी कंस को भेजो, तो वो भेजता था। तो दोपहर को लंच के पहले बहुत समय खेलने के बाद में लंच के समय कृष्ण उसका वध करते थे, बलराम जी उसका वध करते थे। उसका वध करने के बाद में टेकिंग बात इन जमुना, हमें वध करके स्नान किया तो भूख लगती थी, तब तक गोपी आती थी छाक लेकर, फिर जमुना किनारे बैठ कर छाक लेते थे, रोज का है ये। फिर शाम को फिर गीत गाते हुए घर लौट के आते थे। जब बालक थे छोटे से वत्सपाल, लंच के टाइम पे लौट के आते थे, छाक नहीं होता था। जब बड़े गाय का भार दे दिया गोपाष्टमी के बाद में, बिग काउज एंड बिग बुल्स का जिम्मेदारी दिया, तो फिर शाम को लौट के आने लगे। फिर दोपहर के बीच में एक एक लंच, एक टिफिन बॉक्स साथ में डंडे को बांध के, वो बीच में कभी खाना है मिड डे मील, लेकिन जो लंच वाला बॉक्स है वो लेके आते थे गोपियाँ और बैठ के फिर खाते थे। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, हाँ, कैसे देवता लोग भगवान का महाप्रसाद लेने के लिए तड़पते रहते हैं लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी को एक बार लगा कि अरे ब्रज में भगवान सबकी जूठन खा रहे हैं, मुझे भी उनका जूठन मिलना चाहिए। तो भगवान ने सब बैठ के खाना खाया और ब्रह्मा जी को देख रहे हैं कि ये तो नदी में हाथ धोते हैं जाकर, तभी तुम जो आपने खाना खाया और उंगली चाटा नहीं आपने, ऐसा ही तो कुछ कुछ रहेगा ना उंगली के ऊपर कभी कभी थोड़ा थोड़ा, तो वो जब धोएंगे तो वो नीचे गिरेगा ना, तो नदी में धोएगा तो क्या होगा, वो हाथ का जो महाप्रसाद है वो नदी में गिरेगा, तो बोले मैं खाऊंगा उसको। तो खाने के लिए क्या रूप बनाया, मछली का रूप बनाया,
और वेट कर रहे मछली बन के। पहले सब देखा, ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि नदी में हाथ धोते हैं, तो नदी में आके रेडी है वो, इधर आके हाथ धोएंगे और मैं हाथ से निकला हुआ महाप्रसाद खाऊंगा। तो भगवान ने खाना वाना खाया, हो गया सब। वो हाथ धोने के लिए उठे, नदी किनारे गए और देखा मछली घूम रही है। पहचान लिया कि ब्रह्मा जी यहाँ पर महाप्रसाद लेने के लिए आए हैं। तो बोला, ए इधर आ जाओ, एक दोना दो, दोना दोना लेके आया, दोना में जल लिया और जमीन में हाथ धोया। ब्रह्मा को भी महाप्रसाद मिलेगा नहीं ब्रज में, ये पोजीशन है। और आज आपको बलराम जी का, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिलेगा, रोज लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? जो देवताओं का भाग्य नहीं, वो मनुष्यों का भाग्य है। इसलिए मनुष्य का जन्म वो भी पृथ्वी पर, देवताओं का स्वर्ग लोकों में जो जन्म है उससे भी श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि पृथ्वी लोक पर मनुष्य का जन्म लेकर जो भाग्य उपलब्ध है वो देवताओं को भी देवता लोक में प्राप्त नहीं है। लाखों सालों की जिंदगी है, लाखों सालों का ऐश्वर्य है, अधिकार है, ब्यूटी है, सुगंध है, सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपको लगेगा अरे ब्यूटी अच्छा है, ब्यूटीफुल है ये सब, लेकिन भगवान की प्राप्ति करने का जो मौका वो खाली इधर मनुष्यों के लिए है, पृथ्वी वाले। वहाँ पर इतना भोग है कि वो भोग लेते लेते सब आदमी भूल जाते हैं भोगों का क्या स्वभाव होता है। भोग ऐसी वस्तु है कि भोग लेने का शुरू करेगा ना, यू फॉरगेट एवरीथिंग, यू गेट विविल्डर्ड, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता है, क्या हुआ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करना चाहिए, करना सब भूल जाता है। नशा करने के बाद भी ऐसा ही होता है, भोग लेने समय भी ऐसा ही होता है। पाप ऐसी वस्तु है ना, वो इन्वॉल्व कर लेती है अपने आप। तो वहाँ पर पाप नहीं होता कुछ स्वर्ग में देवताओं के साथ, लेकिन इतना भोग है। फॉर एग्जाम्पल, वो जलेबी समझो, यहाँ के जलेबी वहाँ उधर लेके गए, समझो आप, हो सकता है लेके गए। तो यहाँ पर आप जलेबी खाएंगे तो आपकी कैपेसिटी है जलेबी को खाने की, एक खाएंगे बहुत भूख लग रही है, एक खाएंगे, दो खाएंगे, तीन खाएंगे, चार खाएंगे, बहुत प्रिय है आपको, दस खाएंगे, लेकिन एलेवेंथ खाएंगे ना, बोले बस हो गया अभी, अभी शाम को खाएंगे, रखो जरा संभाल के, बोले छाछ लेके आओ छाछ, वो छाछ पिएगा तो ज़्यादा जलेबी खा सकते हैं। हमारे गाँव में पता है आपको, वो आले और मिर्ची ना, आले मिर्सांग घाल लूँ, ताकस पड़ता है, मीट घाल लूँ, वो जब भी पीते ना तो आप जलेबी खा ही सकते, खाते जाते, यू कैन गो ऑन ईटिंग। वो गांव का सीक्रेट है हमारे, जलेबी बनाया शादी में, छाछ भी मंगाने का, छाछ रखने का, जलेबी रखने का, खाते रहने का, लेकिन उसका भी कैपेसिटी है। अगर वही जलेबी हजारों की संख्या में आप स्वर्गलोक में लेके गए ना, तो स्वर्ग लोगों की देवताओं के इंद्रिय में इतनी शक्ति होती है, अगर आपने 100 खाया तो देवता लोग 10,000 खाएंगे। वही चीज़ है, लेकिन उसको ग्रहण करने की शक्ति ज़्यादा है, भोग लेने की शक्ति ज़्यादा है। एक खाने की शक्ति है, एक स्वाद लेने की शक्ति है। वो स्वाद उनका ऐसा उनको आएगा जैसा अपने को नहीं आएगा, उसी जलेबी के अंदर आइटम वही है, स्वाद लेने की ज़्यादा कैपेसिटी है, तो क्या होगा, वो आइटम ज़्यादा सुख देगा। लेकिन वहाँ का जो जलेबी होता है वो यहाँ के जलेबी से हजारों गुना ज़्यादा टेस्टी होता है। यानी जलेबी स्वयं ज़्यादा टेस्टी है, इंद्रिय में ज़्यादा पावर है। तो आप जब दोनों मिलेंगे, इंद्रिय विषय मिलेंगे, तो क्या होगा, आदमी पूरा फंस जाएगा उसके अंदर, कम्प्लीटली भूल जाएगा क्या कर रहे हैं हमें। तो वो भोग के इंटेंसिटी के अंदर भगवान की प्राप्ति होना मुश्किल है। जब इंद्र ऐरावत पर बैठ कर अप्सराओं का नाश देखता है ना, वो सब भूल जाता है कि दुर्वासा मुनि माँ वैकुंठ से आए हैं, विष्णु की महाप्रसादी माला लेकर आए मेरे लिए, वो भी भूल जाता है। इतना मग्न है कि दुर्वासा को देखता है, दुर्वासा उसको महाप्रसाद माला देते हैं, वो लेते हैं और हाथी को दे देते हैं, हाथी उसको लेकर अपने पैर में कुचल लेता है। एक मिनट के अंदर दुर्वासा मुनि शाप देते हैं, सब नष्ट हो जाएगा, भिखारी बन जाओगे। तुरंत देवताओं का आक्रमण होता है, राक्षसों का, और इंद्र अपने पद से च्युत होकर जंगल में छुपता है। दुर्वासा मुनि वही दुर्वासा मुनि है, वही पावर है उनके अंदर, लेकिन इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। ये पोजीशन क्या होता है, स्वर्ग लोक में होता है, बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन डेंजरस है बहुत। भौतिक विश्व में, भौतिक दुनिया में, पृथ्वी पर जो मनुष्य लेता है जन्म, उसके लिए बड़ी आसानी से भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान वहां पर भी अवतार लेते हैं, लेकिन यहां पर जो उनकी उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी इज मोर देन ऑल द हेवनली प्लैनेट्स। यहां पर अनुकूल भाव भगवान को प्राप्त होने का प्राप्त हो सकता है। यू कैन अचीव द फेवरेबल कॉन्शियसनेस हियर इन द ह्यूमन बॉडी ऑन अर्थ।
दैट इज वाई कंसिडर योर सेल्फ टू बी फॉर्चुनेट कि हम लोग पृथ्वी पर बैठे हुए हैं और यहीं से ही गोलोक धाम का रास्ता निकलता है। बीच में से कहीं भी रास्ता नहीं है गोलोक के लिए। आप सोचो ना, समझो आपके पास 8 मंजिल की बिल्डिंग है, एक ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर 8 फ्लोर है और नीचे बेसमेंट भी 2 है। समझो अगर आप पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे, आठवें किधर वाले में होंगे या बेसमेंट में होंगे, आपको बिल्डिंग के बाहर निकलना है तो कहाँ से निकलेंगे आप? ग्राउंड फ्लोर से निकलेंगे। लिफ्ट भी लेंगे तो बेसमेंट से ऊपर आएंगे जी, और वहाँ से बाहर निकलेंगे। 7th फ्लोर पे होंगे, बाहर निकलना है तो लिफ्ट नीचे जाएगी, जी पे आएगी, आप बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने का रास्ता जो है वो केवल जी पे है। और ब्रह्मांड में जी किधर है? पृथ्वी लोक। इसलिए किसी भी ऊपर के लोक से डायरेक्ट एंट्री गोलोक में नहीं है, रास्ता नहीं उधर से, ब्रह्मा लोक से है, ब्रह्मा की कृपा से। लेकिन बाकी किधर भी, ब्रह्मा लोक में भी स्पेशल अरेंजमेंट है, रूटीन अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पर रूटीन अरेंजमेंट है। इसलिए भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम जाना है, तो वो रास्ता पृथ्वी से ही निकलता है। इसलिए पृथ्वी पर मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए सारे देवता लोग लाइन में खड़े हैं, वो भी कलयुग में जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े हैं कि वैष्णव के घर में जन्म मिले, क्योंकि उधर लाख लाख साल जीना है भोग में, इधर 50-60 साल में अगर किसी भक्त के घर में जन्म लिया गोलोक वृंदावन, बार बार ये आना जाना जरूरत क्या है? ये हमारा भाग्य है। और इसलिए ये उत्सव जो है बलराम जयंती बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उत्सव का सबसे अधिक लाभ जो है पृथ्वी पर होता है, जहाँ यहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं। और बलराम जी का अवतार, बलराम जी का जन्मदिन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वही हमको कृष्ण को देने वाले हैं। कृष्ण प्रदाता है वो बलराम जी, वो शक्ति रखते हैं, कृष्ण को देते हैं, दे सकते हैं। वो हमारे गुरु है, उनको प्रसन्न करेंगे तो वो हमको कृष्ण दे सकते हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।